चाहे आप कितनी भी कैटर कॉम्बिनेशन बना लो, लेकिन हीलिंग कैटर कॉम्बिनेशन आज की डेट में सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड चल रहा है। चाहे वो कितने भी ग्रैंड मास्टर प्लेयर हो, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, वो यूज कर रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कौन सा कैटर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है। मेरे पास टोटल 3 कैटर कॉम्बिनेशन है, जिसमें से दिमित्री का है, एक आलोक का है एंड एक के कैरेक्टर का है। तीनों स्किल्स से हम लोग 5-5-5 गेम खेलेंगे। लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिलेगा कौन सा कैटर बेस्ट चल रहा है विथ मोस्ट स्किल एंड मोस्ट डेंजरस गेम पे। एंड हम लोग टेस्ट कर रहे सीएस रैंक पे ओनली। ओके, बीआर का नहीं है, सीएस का ही रहेगा। एंड यहां पे हम लोग को पहले स्कोर देख लो, हम लोग अभी 2 स्टार में है। अब 2 स्टार में हम लोग है, हम लोग को खेलना होगा टोटल 15 गेम्स। यहां पे 5-5 करके टोटल डिवाइडेड है। तो हमारे पास स्किल भी है, दिमित्री है प्लस लियोन है, तीवा है एंड सोनिया का स्किल है। देखो सबसे पहला गेम आ चुका है। सबसे पहला मैच का पहला राउंड में होता क्या है, यहां पे फर्स्ट राउंड में अपने टीममेट को यहां पे मैं रिवाइव कर तो देता हूं, लेकिन मुझे कौन रिवाइव करेगा, क्योंकि दीवा तो उनको काम आएगा, मिर्च को कहां काम आएगा, है कि नहीं गाइस। प्लस यहां पे दिमित्री का स्किल यहां पे 6-7 सेकंड के लिए रहता है ज्यादा से मैक्सिमम, लेकिन तभी भी यहां पे मैं 2 मैच उसके बाद 2 राउंड हम लोग लगातार बुया करते हैं, लास्ट में इस गेम को हम लोग बुया कर देते हैं। ओके, तो यहां पे मेरा स्टार भी इंक्रीज हो जाता है 2 स्टार से 3 स्टार एंड हम लोग अभी फिर से नेक्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं। एंड यहां पे जो सेकंड मैच आता है हमारा, आप लोग देखो लॉबी वगैरह भी ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं दिमित्री यूज करता ना, अपने टीममेट के साथ रहना चाहिए जब भी स्किल में यूज करता हूं। प्लस हम लोग के पास सोनिया कैरेक्टर भी है, लेकिन उससे पहले आप लोग जब भी आप लोग को डैमेज ज्यादा पड़ता है ना, आप लोग पहले दिमित्री ऑन कर लो, ताकि आप लोग को टाइम मिले आप लोग को जल्दी से बंदा खत्म करने का, नहीं तो आप लोग दिमित्री ऑन करोगे बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखो यहां पे बहुत सारे ओपोनेंट के टीम में आजकल यहां पे दिमित्री यूज हो रहा है, ये सीएस का ही गेम प्ले आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग को सेकेंड मैच भी बुया मिल चुका है। अब हम लोग यहां पे स्टार हो चुका है टोटल 4 स्टार, तो नेक्स्ट मैच भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ये हमारा 3rd मैच है। अब देखते हैं 3rd मैच में भी हम लोग दिमित्री से बुया कर पाते। तो यहां पे मैं जैसे प्लेयर को नॉक किया ना, यहां पे अपना लियोन चालू हो गया, देख सकते हो लियोन हम लोग को डायरेक्ट 60 HP प्रोवाइड कर देता है। उसी के साथ यहां पे लास्ट एक प्लेयर बचा था, उसको भी हम लोग यहां पे नॉक करते हैं एंड यहां पे हम लोग को विक्ट्री मिल जाता है। विक्ट्री के साथ साथ इस गेम को हम लोग भी बुया कर लेते हैं। बुया करने के बाद हम लोग को यहां पे 4 स्टार से 5 स्टार भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाली गेम एंड जो हमारा ये 4th मैच है, 4th मैच को भी हम लोग विक्ट्री कर लेते हैं बुया। ओके, बुया होने के बाद हम लोग को अभी 6 स्टार भी हो चुका है एंड मेरा 4 का स्ट्रिक भी बन चुका था। अब मैंने सोचा यार 4 का स्ट्रिक बन चुका है, ये हम लोग का 5 का स्ट्रिक भी बन जाएगा। वैसे हम लोग दिमित्री को टेस्ट कर रहे हैं 5-5 बार हर कैरेक्टर को, लेकिन यहां पे क्या होता है, हम लोग डिफीट कर जाते हैं एंड मेरा स्टार माइनस होने के कारण एक ही चीज था, वो एक कैरेक्टर था। कौन से कैरेक्टर, मैं आपको बता रहा हूं, चिंता मत करो, इस कैरेक्टर का नाम आप लोग सुन लो, इसका नाम है ओरियन कैरेक्टर। भाई दिमित्री को अगर कोई डिफीट कर सकता है ना, तो वो है ओरियन कैरेक्टर। जब भी मैं यहां पे रिवाइव होता हूं ना, तो ओरियन बनके प्लेयर आ जाता है, वापस से मुझे नॉक कर देता है। इसे तो बोलते ना, अगर कोई फ्री फायर में इस दिमित्री को डिफीट कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ओरियन कैरेक्टर ही इकलौता है। तो यहां पे क्या होता है, उसके बाद हम लोग हर एक राउंड डिफीट करने लगते हैं, चाहे मैं गलती से नेडी क्यों ना कर लूं। साथ ही साथ यहां पे दिमित्री एंड सोनिया तीवा लियोन कुछ काम नहीं आ रहा था लास्ट वाली हम लोग का मैच में एंड यहां पे क्या होता है, हम लोग अंत में डिफीट कर ही जाता है और यहां पे मुझे ओरियन प्लेयर ही लास्ट में मार देता है। आप लोग देख ही सकते हो ओरियन कितना ज्यादा खतरनाक है एंड इस वजह से क्या होता है, मुझे यहां पे डिफीट होना पड़ता है। प्लस यहां पे माइनस भी होता है, जो मैंने 6 स्टार किया था वो 5 स्टार हो जाता है एंड हम लोग का स्ट्रिक भी टूट जाता है। 4 स्टार का स्ट्रिक था, 4 का स्ट्रिक था, अब हम लोग का टूट चुका है। एंड देखो 5 गेम में से मैंने 4 गेम बुया किया, 1 डिफीट होना पड़ा। प्लस मैंने तो अच्छा खेला इस कैरेक्टर से, मैंने 8 किल किया, लेकिन मेरे टीममेट वगैरह अच्छा नहीं था, इस वजह से क्या हुआ, रैंडम में हम लोग डिफीट हो जा रहे हैं। अब बारी हमारे नेक्स्ट स्किल की, स्किल नंबर 2, जिसमें है आलोक, फोर्ड, लियोन एंड एंटोनियो का स्किल। अब देखो फोर्ड एंड लियो तो काम करेगा, आपको पता है एंटोनियो भी दिया है मैंने शील्ड HP प्रोवाइड करने के लिए आलोक के साथ। अब देखो अपना DJ जो आलोक है, इलाइट आलोक, ये बहुत काम आने वाला, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये गेम भी, पूरा देखना है। ओके, हम लोग रैंडम ही खेल रहे हैं, इसमें भी आप लोग 5-5 गेम खेल रहे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग दिया था दिमित्री से 5-5 गेम, इसमें भी हम लोग 5-5 गेम खेलेंगे। ओके, आलोक से, तो देखो गाइस हम लोग आलोक का पहला गेम स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ, और हम लोग का बरमुदा मैप लगता है, जिसमें से आप लोग टीममेट वगैरह भी देख सकते हो। एंड इस गेम में क्या होता है ना, आप लोग को एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, ये गेम को बस ध्यान से देखते जाना। तो सबसे पहला गेम हम लोग का कॉटलिस्टो में स्टार्ट होता है, जिनमें से कुछ कुछ रैंडम प्लेयर्स आपस में झगड़ रहे थे,
थे, लड़ रहे थे बातचीत करके, एंड यहाँ पे अम्मा बहन की गाली भी दे रहा था, जिसमें से मुझे बुरा भी लगा कि आपस में ही लड़ रहे, वो भी टीममेट होके, एंड यहाँ पे क्या होता है सभी रैंडम प्लेयर है, तो यहाँ पे आपस में गाली देने के कारण यहाँ पे एक प्लेयर डिसीजन लेता है, वो है इंटेंशनल जोन में डैमेज लेना। वो जोन में जाकर खुद से मर रहा था, आप लोग देख ही सकते हो प्लेयर को, ये प्लेयर आप लोग देखो गाइस, ये रैंडम में साथ हो रहा है। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे गेम बैक नहीं कर सकता, लेकिन एक डिसीजन ले सकता हूँ, वो है इंटेंशनल यहाँ पे जोन, ठीक है, लूजिंग वाला रिपोर्ट, यहाँ पे मैंने वही रिपोर्ट कर दिया। आप लोग देखो, गरीना ने मुझे कंपनसेशन यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉइंट भी दे दिया था, जिस वजह से यहाँ पे भले मैंने फर्स्ट गेम को डिफीट किया रैंडम में, लेकिन क्या करे गाइस, इन प्लेयर को गाइस कौन समझाएंगे कि हम लोग टीम के साथ खेल रहे, यहाँ पे रैंडम है, हम लोग साथ में मिलकर खेलना पड़ेगा, लेकिन ये लोग आपस में ही झगड़ रहे। इसी के साथ साथ हम लोग सेकेंड गेम में भी आ जाता है, एंड सेकेंड गेम में मैंने अच्छा खेला यहाँ पे आलोक, फॉर्ड एंड लियोन लेके, क्योंकि फॉर्ड का जो काम है गाइस, बंदा जैसे आपको थोड़ा डैमेज देगा, आपका यहाँ पे एचपी इंक्रीज होने लगेगा, प्लस लियोन को तो बारे में आपको पता ही है, एंड एंटोनियो आपको शील्ड एचपी प्रोवाइड करता है 30 एचपी का, ओके, एंड उसके बाद क्या होता है, मैंने इस प्लेयर को खत्म किया, एंड मैं आलोक चालू करता हूं, एंड उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे भी बुया कर देते हैं, तो सेकेंड गेम हम लोग को विक्ट्री मिलता है, एंड इसी के साथ साथ हम लोग सिक्स स्टार भी कर देते हैं, एंड सिक्स स्टार होने के बाद अब हम लोग सेकेंड, हम लोग का थर्ड मैच आता है, लेकिन थर्ड मैच में मैं डिफीट कर जाता हूँ। यहाँ पे थर्ड मैच डिफीट होने के कारण यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, ठीक आप लोगों को बताता हूँ। देखो, थर्ड मैच डिफीट होने का कारण यही था कि टीममेट साथ में नहीं था, एनिमी का जो टीम था वो लोग आपस में साथ साथ में आ रहा था, लेकिन हम लोग का टीममेट कभी साथ में नहीं था, वो लोग अलग अलग जाके खेल रहा था, अगर मेरा पीछे भी था तो कोई कवर अच्छा से नहीं दे रहा था, जो रैंडम प्लेयर को कवर देना चाहिए, तो रैंडम खेल रहे, अब टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कौन सा स्किल बेस्ट है। इसी के साथ हम लोग फोर्थ गेम में भी आ जाता है, मुझे लग रहा था ये स्किल कॉम्बिनेशन वीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे बुया मिल जाता है। अब इसी के साथ साथ मैं फिर से यहाँ पे 6 स्टार कर लेता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा स्किल बेस्ट है, और ये आलोक ना, ये जो आलोक का कॉम्बिनेशन है, ये मुझे किल तो दे ही रहा है, जैसे हम लोग को लास्ट कॉम्बिनेशन में किल मिल रहा था, ठीक वैसे इस कॉम्बिनेशन में भी किल मिल ही रहा है। अब हम लोग का लास्ट गेम था ये पांचवा गेम, नंबर 5 वाला गेम भी हम लोग विक्ट्री कर देते हैं, एंड इसी के साथ साथ हम लोग 8 स्टार कर देते हैं, एंड 8 स्टार होने के बाद यहाँ पे मैं सबको लाइक भी देता हूँ। अब अभी लोग देखो, यहाँ पे हम लोग 3 गेम यहाँ पे बुया किया है, एंड उसी के साथ साथ 2 गेम हम लोग को डिफीट होना पड़ा, जिस वजह से दोनों मैच ही कारण हमारा टीम मेट ही था, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं स्किल नंबर 3। स्किल नंबर 3 कोई आम स्किल नहीं है, ये बीआर का बेस्ट स्किल है, जो आज हम सीएस में टेस्ट कर रहे हैं, एंड सभी ग्रैंड मास्टर प्लेयर भी बोलता है कि के जोटा, जेबिप्स एंड लियोन लेने से आप लोग का गेम प्ले सीएस में तबाही मचने वाला है। अब फिलहाल हम लोग देख लेते हैं हम लोग के पास टोटल 8 स्टार है, क्या माइनस लगता है या प्लस लगता है या स्ट्रिक बनता है स्टार का, देखते हैं। तो हम लोग पहला गेम स्टार्ट कर देते हैं, एंड इसी के साथ आप लोग देखो यहां पे हम लोग के कैटर एंड जेबिप्स वगैरह, जोटा वगैरह, लियोन वगैरह जब यूज करते हैं तो कोई प्लेयर हम लोग को डैमेज भी देगा ना, इसी के साथ मुझे जेबिप्स बचा लेता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ईपी वगैरह रहता है ना, तो डैमेज उतना नहीं पड़ता है, प्लस लियोन भी काम करता है, एंड जोटा भी हम लोग को बचा लेता है, एंड इसी के साथ देखो हम लोग पहला गेम यहाँ पे विक्ट्री कर देते हैं, ओके। फर्स्ट मैच बुया होने के बाद हम लोग को यहाँ पे सेकेंड मैच भी स्टार्ट करना पड़ता है। सेकेंड मैच जब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसी के साथ मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि टीममेट वगैरह उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये जो स्किल है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, देखो बंदा मुझे उतना ज्यादा डैमेज दे रहा है, लेकिन जो हील होता है ना, इतना क्विक हील होता है, क्योंकि जोटा से आप लोग बंदा को नॉक करते हैं, आप लोग हील हो जाते हैं, 40 एचपी ऐसे ही मिलता है, प्लस लियोन आपको 60 एचपी देता है, एंड जेबिप्स तो आप लोग को पता ही है जेबिप्स किस तरह से काम करता है, आपको डैमेज भी रोक लेता है, एंड के कैरेक्टर भाई ईपी से एचपी जो करता है इतना जल्दी जल्दी, इस वजह से क्या हुआ, मुझे सेकेंड गेम भी यहाँ पे बुया मिल जाता है। इसी के साथ हमारा स्ट्रिक भी मेंटेन हो जाता है 4 का, क्योंकि पहले का 2 गेम था और अभी का 2 गेम कैसे है, एंड देखो मुझे आलोक से तो यहाँ पे बुया मिल ही रहा था 3 गेम, लेकिन यहाँ पे के कैटर ने मुझे लगातार 2 मैच बुया दिया। इसी के साथ साथ ये थर्ड मैच था, एंड थर्ड गेम भी हम लोग को बुया मिल जाता है। मुझे मतलब के कैटर से ये उम्मीद नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पे 5 का स्ट्रिक मेंटेन करवा दिया अपना के कैटर ने, प्लस मुझे यहाँ पे ये चौथा जो गेम था, फोर्थ वाला गेम, इस गेम में भी मुझे बुया मिलता है, एंड यहाँ पे आप लोग सोचोगे नहीं मुझे कितना किल मिल रहा था ये कॉम्बिनेशन से। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कौन से कैटर कितना किल भी दे रहा था, ओके, टोटल किल्स के बताऊंगा, प्लस देखो
देखो यहाँ पे मुझे चार का मतलब यहाँ पे चार गेम हमने टोटल विक्ट्री किया है, वो भी अपना के कैरेक्टर से। अब देखते ही ये पांच गेम बुया कर पाते हैं, क्योंकि दिमित्री ने काम किया था वो चार गेम लगातार बुया किया था एंड लास्ट में हार गया था। लेकिन अब देखते हैं हम लोग का स्किल नंबर 3 जो के कैटर है वो कर पाता है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा था ना, डिफीट हो रहे थे। यहाँ पे 1-3 का सिचुएशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं, मैं रस करता हूँ पीछे से। लेकिन के कैटर को जो काम आप लोग देखो यहाँ पे हील जो हो रहा था फटाफट से, आप लोग देखो यहाँ पे नॉक वाले बंदे को जैसे मैंने मारा यहाँ पे जल्दी से हील हुआ, प्लस मुझे यहाँ पे जेम्स ने बचा लिया एंड अपना लियोन भी काम आ रहा था, आप लोग देख ही सकते हो गाइस। ओके तो यहाँ पे आप लोग को बस एक चीज की जरूरत पड़ता है, वो है आप लोग का डैमेज। अगर आप लोग डैमेज पड़ता है तो जेम्स आपको बचा लेगा, लेकिन आपके पास ईपी होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो गाइस इसके बाद हम लोग फटाफट से एक मेडिकिट मारते हैं एंड यहाँ पे बुया हो जाता है। आप लोग देखो लास्ट में हम लोग इस गेम को विक्ट्री कर ही लेते हैं नेक्स्ट मैप में एंड यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं अपना स्ट्रिक, वो भी 7 का स्ट्रिक। सोचो गाइस ये जो के कैटर है 5 में से 5 गेम टोटल बुया दिया एंड दिमित्री ने मुझे 4 गेम बुया दिया एंड अपना आलोक ने ओनली 3 गेम्स बुया दिया टोटल 5 गेम में। तो अब मैं आपको बता दूं कौन सा कैटर कितना किल दिया। स्किल नंबर 1 ने मुझे टोटल 30 किल्स दिया 5 गेम में से, जो हमारा दिमित्री वाला स्किल था। एंड स्किल नंबर 2 हम लोग को आलोक वाला जो स्किल था उसने हम लोग को टोटल 26 किल्स दिया 5 गेम में से। सोचो ये भी ठीक ही है। स्किल नंबर 3 ने हमें टोटल 33 किल्स दिया वो भी 5 गेम में से, अभी तक का सबसे ज्यादा किल देने वाला यही स्किल है, प्लस मुझे इतने सारे स्ट्रिक भी मेंटेन करने का यही स्किल दिया है। ओके यहां पे के जोटा जेम्स एंड लियोन, तो इस किल में यही विजेता होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है रैंडम में, तो वो है स्किल नंबर 1।